असल में एतमाद करना और एतमाद रखना, चाहे अपने ऊपर हो चाहे किसी दूसरे के ऊपर, ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप ज़िंदगी के बहुत सारे नशेबो फराज में से गुजरते हुए एतमाद और एतमादी, इन दोनों का तावन लेके, इन दोनों का साथ लेके बहुत जल्द आगे निकल जाते हैं। मैं एक जगह वाक्य पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया, लिखा हुआ था, बताया गया था कि जी दो दोस्त जो हैं वो कश्ती में बैठे हुए हैं, कश्ती चला रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक से तूफान आ जाता है, कश्ती कुछ डगमगाने लग जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछता है, कहता है तुझे डर नहीं लग रहा है? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, लेकिन तुझे डर नहीं लग रहा है कि कहीं हम डूब ना जाए, जिंदगी से हाथ ना लो बैठे? तो दूसरा दोस्त जो है वो अपनी जेब में से खंजर निकालता है, और खंजर निकाल के पहले वाले दोस्त जो सवाल पूछता है डर ना लगने का, उसकी गर्दन पे रख देता है और जोर से दबाता है कि ले मैं चलाने लगा हूँ। तो वो दोस्त जो होता है दूसरा, वो हंस पड़ता है, आगे से हंस पड़ता है, और साथ उसका हाथ जो है पीछे हटाता है, कहता है ये क्या मजाक है, क्या कर रहे हो? तो कहता है तुझे डर नहीं लगा? कहता मुझे डर क्यों लगेगा, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो थोड़ी मुझे मारेगा, तू मेरे साथ मजाक ही कर रहा है, तू तो मुझे नहीं कत्ल करेगा। तो फिर उसने वही बोला, बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने, उसने कहा कि भाई मैंने तेरे गर्दन पे खंजर रखा तुझे मारने के लिए, जिंदगी और मौत में बिल्कुल हल्का सा फासला था, जरा सा जोर और लगाता था तुझे मर जाना था, लेकिन तू नहीं डरा, तू इसलिए नहीं डरा तुझे मेरे पर एतमाद था, तू कहता था कि ये बंदा मेरा दोस्त है, ये मुझे नहीं मारेगा, तो मैं भी इसीलिए कश्ती में बैठा हुआ नहीं डर रहा कि मुझे भी अल्लाह सुब्हान तआला पे पूरा यकीन, पूरा एतमाद है कि वो मेरा मालिक है, वो मेरा दोस्त है, मुझे